गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और उसने कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में जो है वो उसकी ओरिजिन हुई या उसकी डेवलपमेंट जो है इंट्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में हुई और उसकी वजह से गवर्नेंस के जो स्टाइल्स डिफरेंट गवर्नेंस स्टाइल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए और उसकी रीजन यही थी कि फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा आ गई सो उनको डील करने के लिए नए स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी जो गवर्नेंस ने इंट्रोड्यूस कराए for dealing with the different aspects of the society, either they are the economic aspects, political aspects or social aspects or the administrative aspects of the society. So, इस वजह से government में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं, government के structure में, उनकी management के style में, उनकी hierarchy में, बहुत सी इस तरह की तब्दीलियाँ आईं, जो governance की वजह से आईं, और उसकी वजह से government में नए institutions भी शामिल हुए, जो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को डील करने के लिए ज़रूरी थे और सिमिलरली उन इंस्टीट्यूशंस ने मुख्तलिफ तरीक़ों से काम किया जो कि ट्रेडिशनल तरीके नहीं थे और वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में इस्तेमाल नहीं होते थे बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द सोसाइटी तो इस वजह से वो जो तब्दीलियाँ हैं वो मास लेवल के ऊपर थी जो गवर्नेंस लेकर आया इन द गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज़ बेसिकली अ सिस्टम थ्रू विच स्टेट एंड कम्युनिटी इज़ कंट्रोल्ड गवर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट और एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट और इसी वजह से सोसाइटी को और स्टेट को कंट्रोल करने के लिए इस टूल को दैट इज द गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉमनवेल्थ नेशंस गवर्नमेंट इज कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल दैट एक्सरसाइज अथॉरिटी इन द स्टेट अब जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस पे मुश्तमिल है और वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोगों की वजह से बनते हैं सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एन इंस्टीट्यूशन एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप कैन एक्ट और कैन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सो इसी तरह वो सब इंस्टीट्यूशंस मिलके गवर्नमेंट की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो गवर्नमेंट उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है और स्टेट की अथॉरिटी को इस्तेमाल करती है फॉर एस्टैब्लिशिंग इट्स रिट फॉर एस्टैब्लिशिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो फॉर मैनेजिंग द डिफरेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट और ये अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट जो है वो उसको देता है जिसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है बीइंग द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और द सोसाइटी It is basically a mechanism through which policies are enforced and implemented. So, किसी भी हकूमत का जो basic function है वो policy making और उसकी implementation होता है क्योंकि policies ऐसा course of action होती हैं जो लोगों के मसाइल के लिए इख्तियार किया जाता है So, इसी तरह से government जो है वो policies बनाती भी और उनको implement भी करती है So, government एक ऐसा mechanism है जो policy making में भी अपना role play करता है और government की वजह से ही policies बनती हैं और उनको implement भी किया जाता है गवर्नमेंट इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज आई हैव मेंशनड अर्लियर दैट इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन और द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोगों पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एक सर्टन एनवायरमेंट में सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन और इसी तरह वो इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक हकूमत की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो हकूमत जो है वो उन इंस्टीट्यूशंस को अपनी अथॉरिटी की बेस के ऊपर जो है वो कंट्रोल भी करती है और यूटिलाइज भी करती है फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज टू द जनरल पीपल द वे दीज इंस्टीट्यूशंस आर कंट्रोल्ड मैनेज्ड एंड यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज आर इंक्लूडेड इन गवर्नेंस सो बेसिकली गवर्नेंस में वो सारी चीजें शामिल होती हैं जो हकूमत करती है अब वो पॉलिसी मेकिंग भी होती है वो किस तरह से होती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है लोगों को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाता है उनके मसले किस तरह हल किए जाते हैं उनको सर्विसेज किस तरह डिलीवर की जाती हैं इंस्टीट्यूशंस किस किस्म के एस्टैब्लिश होंगे और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है उनके मैनेजमेंट स्टाइल क्या होंगे ये सब चीज़ें जो या ये सब फंक्शंस या ये सब जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट परफॉर्म करती है वो गवर्नेंस में शामिल होता है सो इट शोज दैट गवर्नेंस इज अ अम्ब्रेला टर्म इन विच गवर्नमेंट इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नेंस इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू पोलिटिकल साइंटिस्ट गवर्नमेंट शुड नॉट बी स्टडीड और एनालाइज्ड इट्सेल्फ अलोन
Rather, it should be studied along with anthropology, science, economics, history and philosophy. So, ये बहुत important aspect है government का, जिसको समझना ज़रूरी है as a student of public administration, कि आप जब government को study करते हैं, उसके different functions को analyze करते हैं, तो आप isolation में उसको नहीं study करते, या उसको vacuum में study नहीं किया जाता, क्योंकि government की entity जो है, वो alone उसकी कोई importance नहीं होती, वो एक certain environment में, एक certain context में और एक certain culture में perform कर रही होती है, जिसमें बहुत से aspects जो हैं वो impact रखते हैं. जिस तरह governance का ये एक हिस्सा है, इसी तरह और भी बहुत से institutions हैं जो governance का हिस्सा होते हैं. So इसलिए आप अगर government को study करते हैं as a student of political science, as a student of public administration, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप different aspects को भी consider करें, जिसमें anthropology भी आती है, उसमें history भी आती है, उसमें philosophy भी आती है और उसमें economics भी आती है. और आजकल के दौर में science and technology भी बहुत important है for studying और researching government as an entity in the society, क्योंकि ये वो सारे elements हैं, ये वो सारे impacts हैं जो के government के ऊपर होते हैं, और उसकी वजह से government जो है वो अपनी forms भी change करती है, अपने styles of management भी change करती है for dealing with the different issues of the state, और वो इन चीज़ों की वजह से बदलते रहते हैं. So उसको आप जब भी पढ़ते हैं या उसको समझना चाहते हैं, तो उसको आप इस सारे एस्पेक्ट्स के साथ स्टडी करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक अफेयर्स का, इकोनॉमिक एक्टर्स का एक अपना इम्पैक्ट है गवर्नमेंट में. एंथ्रोपोलॉजी का, जो कल्चरल स्टडीज़ होती हैं, उनका एक अपना इम्पैक्ट है, क्योंकि उसकी वजह से गवर्नमेंट का एक अपना कल्चर डेवलप होता है उसकी. और हिस्ट्री जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी मुल्क की या सोसाइटी की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी इम्पैक्ट रखती हैं गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करने में, और वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं. सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना रोल है, और आजकल के दौर में जब हम टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो वहाँ पर आपने ई गवर्नेंस का नाम भी सुना होगा, कि हर चीज़ आपको जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हो, और लोगों को जो है वो कम से कम मसाइल का शिकार होना पड़े. सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया और गवर्नमेंट को नई से नई टेक्निक्स अडॉप्ट करने पे मजबूर किया, ताकि वो लोगों को बेहतर तौर पे सर्व कर सके, बेहतर तौर पे डिलीवर कर सके, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इंश्योर कर सके किसी भी सोसाइटी में.